वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन का ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, आप किसी भी चीज को रटिए मत, दिमाग में रटना नहीं है, आप भूल जाएंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, भूल जाएंगे। उसको कहानी के जरिए समझिए, एक सिस्टम बनाइए समझने के लिए। अगर ये एक बार आप इसको डीपली देख लेते हैं तो ये हर एग्जाम के लिए, मैट्रिक के नहीं, आगे आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन, उन्होंने किस तरह लड़ाई की, अगर आंदोलन की बात की जाती है तो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि वो कभी लड़ाई झगड़ा के बदौलत नहीं, आंदोलन के बदौलत दिमाग लगा करके हर एक आंदोलन में सफलता प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। उनके द्वारा चलाया गया संपूर्ण आंदोलन बहुत ही प्यारा और मजेदार और हंसी के साथ देखेंगे। यहां पे देखिए, महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन। बाबू, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, समझ गए, ये याद हो गया। जब इनका जन्म हुआ तो 13 साल की उम्र में इनकी विवाह हो गई। 13 साल तो आप जोड़ सकते हैं, 69 से 13 साल 82 आएगा, कहीं कहीं 83 भी दिया है, आप 82 में 13 साल की उम्र में शादी कर ली, और शादी करने के बाद से ये लंदन पढ़ने गए थे। अब बताइए, आजकल शादी करने के बाद लोग वाइफ के साथ सेटल होने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन ये शादी करने के बाद लंदन पढ़ने गए, वहाँ से पढ़ करके बैरिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई करके वकालत पढ़ के और जा करके कहाँ गए, वहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए। अब मान लीजिए इधर पढ़े हैं तो प्रैक्टिकल तो कहीं करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक फर्स्ट, सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन वही था। एक चीज़ बाबू आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहला आंदोलन, तब दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा। ठीक है, पूरे जिंदगी में सबसे पहले आंदोलन कब किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किसानों को लेकर के वो किए थे। ठीक है, फिर वो दक्षिण अफ्रीका में उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानने, बोले गुरु जी आप ही तो सब कुछ मेरे हैं। ठीक है, तो राजनीति का ज्ञान हमको दे दिए कि कैसे बिना राजनीति का इस जमाने में तो जीना संभव है ही नहीं, कोई ना कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेल ही देता है। ठीक है, तो राजनीति का ज्ञान गोखले से लिए। आप बोले सुनो, तुम तो जा रहे हो भारत में, लेकिन एक चीज और, वहां अंग्रेजों का शासन चल रहा है। ठीक है, वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा और क्रांति वाला बात लाओगे ना, जिंदगी में कभी तुम्हारा देश आजाद नहीं होगा, यानी कि इंडिया भारत यानी कभी आजाद नहीं होगा। तो गांधी जी बोले गोखले जी से, तब गुरुजी आप ही कुछ बता दीजिए कि आखिरकार हम करें क्या। तो बोले एक काम करो, तुम जाओ लाइब्रेरी या फिर जो भी पुस्तकालय है उसमें, या फिर अपने एक ऐसे टीचर को ढूंढो जो तुम्हें आंदोलन करने का रास्ता बताएगा कि लड़ाई नहीं, आंदोलन करके भी किसी को झुकाया जा सकता है। ठीक है, तो उनके दो गुरु मिले, एक गुरु का नाम था रस्किन और एक गुरु का नाम था टॉल्स्टॉय। रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल की शिक्षा ली और टॉल्स्टॉय से उन्होंने शिक्षा ली कि आंदोलन कैसे करते हैं। ठीक है, और उन्होंने कभी भी आंदोलन को वहां समझा दिए कि जब भी तुम आंदोलन करना अंग्रेजों के खिलाफ, आंदोलन उग्र रूप नहीं लेना चाहिए। उग्र का मतलब लड़ाई झगड़ा, उसमें समझो वो आंदोलन फेल हो जाएगा। ये बाबू एक चीज आप याद रख लेना, वो कौन बोले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से बोले। और एक बात और मेरा याद रखना, हम गुरु हैं तो मेरा बात मानना, करना क्या कि जब तुम इंडिया में जाना तो एक साल तक एकदम सादा जीवन बिताना है, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, एक साल तक, एक साल के बाद आंदोलन करना है। ये इतना आप समझ गए होंगे, इनके जीवनी के थोड़ा सा बारे में एक्स्ट्रा हम बता दिए। ठीक है, जब वो इंडिया आए तो 1915 में आए, याद रखिएगा महात्मा गांधी इंडिया आए कब, 1915 में 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस क्या होता है, जब कोई बाहर से व्यक्ति, आप ही के एरिया का कोई व्यक्ति बाहर गया और फिर उधर से वापस लौटता है, तो गांधी जी तो इधर से गए थे फिर उधर से लौटे, तो उस समय हम लोग इंतजार करते हैं कि जो भी छोटे भटके लोग हैं जो अपना देश छोड़ के चले गए, उनको आने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसे हम लोग प्रवासी दिवस कहते हैं, यहाँ समझिएगा। अब आए वो, तो आए तो भाई आंदोलन एक साल तक करना नहीं है, दिमाग में रखना है, तो बोले ठीक है तब छोटा मोटा काम ही कर लेते हैं। उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया, कब किए हैं, 1916 में, और एक आंदोलन नहीं कर रहे थे, भाषण स्पीच दे रहे थे, लोगों को स्पीच दे रहे थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, आपसे पूछा जाएगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई, तो गुजरात में हुई है, गुजरात में, यहाँ इस जगह पे साबरमती बना था। ठीक है, ये गुजरात है कटोरा से, तो यहाँ पे, और यहाँ पे 1916 में हुआ। और लखनऊ अधिवेशन में जब स्पीच दे रहे थे तो बिहार का एक इंसान था, बोला कि बाप रे बाप, ये बुढ़ऊ कितना मस्त बोल रहे हैं, बुढ़ऊ समझिएगा, रेस्पेक्ट दिल से पूरा देते हैं
गांधी जी को, ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इन द सेंस ये कह रहे हैं कि बड़ा इनके राजकुमार होगा, बड़ा अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं, लोगों को समझा ले रहे हैं, चलते हैं बिहार में इनको ले जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार में अंग्रेज बहुत उस समय परेशान किए थे और बिहार के थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने उनको कहाँ देखा था, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को स्पीच देते हुए देखा था। अब ये जा करके रिक्वेस्ट किए कि चलिए ना, हमारे यहाँ अंग्रेज बड़ी परेशान करके रखा है, तीन कट्ठिया प्रणाली लगा दिया है, माने 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करो और जो 17 कट्ठा बचा उसमें अपना खेती करना है। और वो 3 कट्ठा जहाँ सबसे उपजाऊ जमीन होगा वही लेता था सब, ठीक है। देखो, 3 कट्ठिया प्रणाली में नुकसान ये था कि एक बार अगर वहाँ नील की खेती हो जाए तो जमीन बंजर पड़ जाता था, इससे किसान बहुत परेशान थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल बोले कि आप चलिए, तो गांधी जी मना कर दिए, बोले कि नहीं, हमारे गुरु जी बोले हैं कि एक साल तक हमको कुछ नहीं करना है, उसके अगले साल से हम आंदोलन में भाग लेंगे, मना कर दिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल बेचारे चले गए। ठीक उसके एक साल के बाद, बीच में ये साल कुछ नहीं किए, 1917 में आ गए बिहार में। ओ, कहां है अंग्रेज, कैसे हम जो तीन कठिया प्रणाली, यानी उसको कहते हैं चंपारण आंदोलन, तीन कठिया प्रणाली, ठीक है, या तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती होती थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 1917 एक साल के बाद पहुंच गए चंपारण में, और चंपारण में आने के बाद उन्होंने आंदोलन कर दिया, चंपारण आंदोलन। अंग्रेज मजबूर हो गए, अंग्रेजों को इस नियम को हटाना पड़ा और चंपारण आंदोलन भारत का सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का था जो पूर्ण रूप से सफल रहा। और अंग्रेज सोचते रह गए कि ये बुढ़ऊ कहाँ से आए, ठीक है, और आते आते इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन सफल हो गया। जबकि वो अच्छा, इनका आंदोलन इसलिए सफल हो गया क्योंकि वो वहीं पे जाके पढ़ाई किए हैं जहाँ से अंग्रेज आए थे, तो वहाँ का ज्ञान ये लिए हुए थे, तो कैसे ये हार सकते हैं, ठीक है, ये भी तो वहीं से आए थे ना, इंडिया के थे लेकिन ज्ञान वहीं से लिए हैं। अब देखिए, तब इथे गुजरात के, कहाँ के थे बाबू, गुजरात के, महात्मा गांधी पोरबंदर जिला हो जाएगा गुजरात के, ठीक है, तो गुजरात के लोग समझा, अच्छा ये गुजरात के हैं, बिहार में जाके आंदोलन करें, अब गुजरात में अंग्रेज हमको परेशान करें तो अपने राज्य को नहीं देख रहे हैं, चले गए बिहार में, ठीक है, अपने एरिया के हैं तो यहाँ पे तो अंग्रेज परेशान किया है, यहाँ भी आंदोलन करें। तो ये गुजरात में खेड़ा जगह है, खेड़ा जिला, वहाँ पे भी किसानों के वजह से आंदोलन छिड़ चुका था। देखिए यहाँ पे किसान खेड़ा विद्रोह 1918 में, बोले कि कोई बात नहीं, हमारे इलाका में है ना, तो हम यहाँ, तो इधर जो बिहार में आना था तो यहाँ पे चंपारण आंदोलन शुरू कर दिए, ठीक है, अपने एरिया में भी आके सफल करेंगे। तो यहाँ पे आ गए खेड़ा में, और खेड़ा में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज ज़्यादा टैक्स ले रहा था वहाँ पे आंदोलन किया, ये भी सफल हो गया, ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था, इन लोगों के साथ भी बड़ी अत्याचार हुआ था। उस समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी चल रही थी, चूहों के घर में पनाह देने से, चूहों के वजह से प्लेग फैलता है, बहुत ही खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक और डेंजर बीमारी थी प्लेग, ठीक है। और जब प्लेग की बीमारी चल रही थी तो सभी मिल मजदूर जितने भी थे वो अपना फैक्ट्री छोड़ करके भाग रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी के मालिक उन्हें लालच दे करके, पेमेंट बढ़ा करके, बोनस बढ़ा करके उनको रोक लिया, कुछ मजदूरों को। लेकिन जैसे प्लेग की बीमारी खत्म हुई तो वो क्या किया कि जितना पहले पेमेंट था ना उससे भी कम करके घटा दिया, ठीक है। इसलिए मजदूरों ने वहां पे आंदोलन कर दिया, और उस आंदोलन में जब उन लोगों को पेमेंट कम हुआ तो उसमें महात्मा गांधी आए और उन्होंने तय किया कि कितना इन लोगों को पेमेंट देना है। तो वही है अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी 18 में हुआ। तो 18 से दो चीज याद रखिए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला 1918। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू है 1919। इसमें बहुत सारी घटना हुई और देखिए ये घटना बहुत दुखद भी रही हमारे देश के लिए। अभी हम जितना भी फ्री घूम रहे हैं ना कोई इसका कारण जरूर है। यानी हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था, हम लोग इतने आज़ाद नहीं थे, इतने स्वतंत्र नहीं थे कि फ्री पूर्ण रूप से पढ़ाई कर सके, लेकिन कोई ना कोई हमारे लिए बलिदान दिया है। क्या नाता रिश्ता था हम लोगों से, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ा है। हम लोगों को भी कुछ हद तक अपने देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यहां समझिए 1919, अब मामला यह हुआ कि गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह किए, वो भी सफल हो गया, खेड़ा में भी सफल हो गया, अहमदाबाद में भी अंग्रेजों से बात मनवा लिए। अब अंग्रेज गुस्सा हो गया, बहु हर जगह आंदोलन करके हम लोग को झुका दे रहे हैं, अब कोई आंदोलन करेगा ना तो बिना पूछे जेल में डाल देना है, ठीक है, कोई भी हो जेल में डाल देना है। तो उसके लिए एक कानून बना दिया, बिना पूछे जेल में डालने का मतलब, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक प्रकार का ऐसा नियम है जो बिना वकील, बिना दलील के आप
कोई गुनाह नहीं किए हैं तो डायरेक्ट आपको फिर भी जेल में उठा के डाला जा सकता है, यानी कि जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार के अपील की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये कैसा बेकार आंदोलन है जी, आप किसी को कैसे डाल सकते हैं। इसके प्रति भी लोगों ने आंदोलन किया कि रॉलेट एक्ट नियम बेकार है, लेकिन जानिए कि रॉलेट एक्ट 1919 में ही हुआ था। 21 अप्रैल को रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पारित कर, 21 मार्च को ठीक है रॉलेट एक्ट पारित हो गया। ठीक है, और जब रॉलेट एक्ट पारित हो गया तो लोगों में गुस्सा आ गया कि ये गलत है, तो 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया, देशव्यापी हड़ताल। ठीक है, और 9 अप्रैल को जब हड़ताल कर रहे थे तो 3 दिन बाद दो नेता को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी गुनाह के, दो नेता कौन, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 दिन बाद देश में हड़ताल हुआ 6 को, 3 दिन बाद 9 को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलनकारी और प्लानिंग बनाने के चक्कर में लग गए। अब हुआ ये पंजाब की घटना है, सभी लोग प्लानिंग बना रहे कि इस रॉलेट एक्ट बहुत बेकार नियम है, हम लोगों को आंदोलन करने ही नहीं दे रहा है। हम लोग आए रात को, ठीक है, पंजाब में, और उस समय पंजाब में बैसाखी वाला त्यौहार चल रहा था, फसल के कटने वगैरह पर जो त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में, उस समय वैसाखी 13 अप्रैल को वैसाखी का जो त्यौहार होता है पंजाब में मनाया जाता है, वहीं पे सभी लोग अपने त्यौहार में मग्न थे और सभी लोगों का गुट मिल करके पंजाब में एक जगह है अमृतसर, अमृतसर के साइड में एक जगह है स्वर्ण मंदिर है, वहीं पे एक जगह था जालियांवाला बाग, उसी चारों तरफ से बाउंड्री था, उसमें बैठ करके सभी लोग रॉलेट एक्ट के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इसको हटाया जाए, अंग्रेजों से कैसे बोला जाए हटाने के लिए। तब तक इस प्लानिंग का पता किसी ने बता दिया जनरल डायर को, और वो क्या किया, चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा हुआ था और इसी में प्लानिंग चल रहा था, और जो भी यहाँ रास्ता था जनरल अंदर आया और अपने सैनिकों को लाइन से ऐसे सजा दिया। ठीक है, और बेचारे उतने निहत्थे लोगों पर ताबातोड़ गोलियां चलाई गई। ठीक है, उसमें हजारों हजारों लोग इस जालियांवाला बाग में मारे गए। ठीक है, तो वो घटना थी 13 अप्रैल 1919, यानी यहाँ देख सकते हैं 3 दिन बाद ये हुआ और इसके ठीक 4 दिन बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। पूरे देश शोक में डूब गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद लंदन यानी इंग्लैंड का सबसे बड़ा उपाधि होता है। ठीक है, तो यहाँ कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी। आपसे पूछा जाएगा कि कैसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी, तो महात्मा गांधी को। नाइट की उपाधि किसने त्याग दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। ठीक है, पूरा देश सदमा में चला गया। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से इसका एक ट्रिक है बाबू, समझिएगा इतना दूर का ट्रिक कैसे, 1919 वाला हम ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। 21 मार्च को हुआ पारित क्या, रॉलेट एक्ट 21 मार्च को हुआ पारित, 6 को हुआ हड़ताल, 9 को किचलू सत्यपाल हो गए गिरफ्तार, यानी एगो 21 मार्च, एगो 6 अप्रैल, एगो 9 अप्रैल, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, अब इस सबसे तो पूरा देश परेशान था। अब महात्मा गांधी सोच में पड़ गए कि हम करें तो क्या करें, पूरा देश को एक किया जाएगा तब ना अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं, उसमें भी मुसलमान अलग हो जा रहे हैं, हिंदू अलग हो जा रहे हैं, इन दोनों को एक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब तक महात्मा गांधी का लक साथ दे दिया। हुआ क्या, मुसलमानों को एक करने का एक उनको मौका मिल गया। उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, तो ब्रिटेन के जो भी उस समय शासक थे, ठीक है, वो क्या किए कि तुर्की के सुल्तान जिसको खलीफा बोला जाता था उस समय, पूरे इस्लाम के खलीफा माने जाते हैं तुर्की के जो भी वहाँ खलीफा थे, मुस्लिम धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ उसमें खलीफा को माना जाता है। ठीक है, उनके खिलाफ ब्रिटेन ने पूरा शासन तुर्की का छीन लिया उन खलीफा से और बड़ी बेइज्जती किया, एक भी जगह उस खलीफा को नहीं दिया। पूरे इस्लाम धर्म में जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं सभी लोग मायूस हुए कि इतना अत्याचार हमारे खलीफा के साथ किया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, इससे सिर्फ तुर्की के मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। अब महात्मा गांधी को मौका मिल गया, बड़ी बेजोड़ फायदा उठाए, समझिएगा। वो सोचे कि अब तो पूरा मुसलमान इनका विरोध कर दिया है, तो इसी ये तो किसी तरह आंदोलन अगर यहाँ करेगा लो, मुसलमान मिल करके जितने भी आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, आंदोलन सफल हो ही जाएगा। तो कहे नहीं तनी मनी हम जाके उसमें भाग ले लें, हमरो नाम हो जाएगा कि मुसलमानों ने आंदोलन किया जिसमें महात्मा गांधी साथ दिए थे। तो पूरे विश्व के मुसलमान किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो उसी को बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, समझिएगा। यहाँ पे
17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन क्या हुआ भारत में, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हुआ था। आपको खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है, याद रखिएगा ठीक है। और खिलाफत के अध्यक्ष कौन बने, नवंबर 1919 में महात्मा गांधी आकर के अध्यक्ष बन गए, महात्मा गांधी। अब एक और बात, महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे, दूरदर्शी मतलब दूर का सोचते थे, वो पहले ही सोच लिए थे कि खिलाफत आंदोलन हम करें ना करें सफल होना ही है, क्योंकि एक धर्म को छेड़ा है ठीक है, तो एक धर्म को ब्रिटेन छेड़ करके गलती तो कर ही दिया है, ये तो सफल हो ही जाएगा, इसीलिए हम चले जाएंगे तो लोग हमारा नाम भी लेंगे और सभी लोग एक भी हो जाएंगे। तो जा करके वहाँ पे बोले, खिलाफत आंदोलन में गए, बोले कि देखिए हम आपके साथ हैं। अब सब लोग बोल रहे हैं ई कौन आ गए जी, अच्छा ये वह गांधी जी हैं जो आंदोलन करते हैं तो सफल हो जाते हैं, हाँ ये आइए बैठिए बैठिए। उनको बैठाया गया, आंदोलन के अध्यक्ष बने, कब खिलाफत आंदोलन के 1919 में नवंबर में। अब बोले कि आप घबराइए मत, पूरा विश्व आपके साथ है, पूरा हिंदू वर्ग भी आपके साथ है, हम लोग एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे, कैसे वो यहाँ से नहीं जाएगा। और इस तरह से खिलाफत आंदोलन में ब्रिटेन को हार माननी पड़ी और पूरे खलीफा जो वहाँ के थे तुर्की के, उनको उनका जितना भी शासन व्यवस्था था सबको वापस करना पड़ा और खिलाफत आंदोलन सफल रहा। तो महात्मा गांधी प्लानिंग अच्छा किए थे। अब देखो हुआ क्या था, लेकिन गुस्सा था, यहाँ हिंदू मुसलमान तो एक हो गए ठीक है, लेकिन एक हो गए तो एक और वजह था। अब यहाँ मामला ये था कि अंग्रेज को कैसे भगाया जाए, आखिरकार अंग्रेज जाएगा कैसे। तो महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाए, कोई ना, मान लीजिए कि उस समय अंग्रेज था तो उनके कपड़ा धोने वाला इंडियन ही था, क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे ना ठीक है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, उनका बर्तन नहीं धोना है, कपड़ा नहीं धोना है, किसी प्रकार का ड्राइविंग का काम, यानी कि उनके दिए हुए हर नौकरी को छोड़ देना है, उनके सामान जो ब्रिटेन से आ रहा है उसको यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, जिस तरह बाइकॉट चाइना चला था ना, वैसे ही ये बोले कि बाइकॉट इंग्लैंड ठीक है, इंग्लैंड के कोई भी सामान यूज नहीं करना है, असहयोग यानी कि कोई सहयोग भी नहीं करना है और खुद के बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल करना है ठीक है। तो ठीक 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, यही मीटिंग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है। उनका मुद्दा क्या था, तो पंजाब में जो वो घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन ठीक है, स्वराज, ये चाहते क्या थे, असहयोग आंदोलन वाले चाहते थे कि हम लोगों को स्वराज चाहिए, खुद का राज चाहिए, अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। खिलाफत आंदोलन में इतना बेइज्जती क्यों हुआ, पंजाब में उतने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई जालियांवाला बाग हत्याकांड में, इस सब को प्लानिंग करते हुए कलकत्ता अधिवेशन में ये प्लानिंग हुआ कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए ठीक है। और यहाँ पे भारत में, यहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में 1921 में शुरू हुआ और सभी सामानों का बहिष्कार किया गया। अब समझिएगा, बहिष्कार तो शुरू हो गया, किसी प्रकार का सहयोग अंग्रेजों को नहीं किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है ना बिहार और यूपी की हालत, यहाँ पे लोग बड़ा उदंड होते हैं ठीक है, हम मेहनती होते हैं, हम लोग जो होते हैं मेहनती होते हैं, लेकिन बदमाश भी होते हैं थोड़ा सा। कैसे, मान लीजिए सब जगह आंदोलन चल रहा था, एक यूपी में जगह है ठीक है, वहीं पे आपको मिलेगा चौरा चौरी, यहाँ पे भी असहयोग आंदोलन एकदम चरम सीमा पर था, एकदम अंग्रेजों को भगाया जाए पूरा आंदोलन हो रहा था, तब तक अंग्रेज गुस्सा हो गया, इतना आंदोलन तुम लोग काहे कर रहा है ठीक है, रॉलेट एक्ट भी तो लगा था, वो हटा कहाँ था अभी ठीक है, तो गिरफ्तार करने के लिए गया, लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज का मतलब से लाठी से मारना शुरू कर दिया। अब यूपी के छोरे सब थे वो क्या के उल्टा लगे दौड़ाने अंग्रेजों को, एकदम दौड़ा दौड़ा के लगे मारने, अंग्रेज भागते भागते थाना में पहुंच गए और थाना में अपने आप को, अब देखा इधर कहाँ भागे, तो खुद को जेल में अंदर अपने बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा दिमाग वाले लोग होते ही हैं, बड़ी खचड़ा और बदमाश टाइप के लोग होते हैं ठीक है। अब एक वो में चलाखी किया यूपी वाला छोरा, किया क्या कि गया और जाके मिट्टी का तेल लाया ठीक है, पहले इधर से बाहर से ही लोग बंद कर दिया। अब अंग्रेज सोचने लगा कि हम तो अंदर से बंद है, आई एम ऑलरेडी लॉक्ड इन जेल ठीक है, समझ रहे हो ना, तो भाई ये फिर बाहर से क्यों बंद कर रहा है, तो बोला अच्छा रुको ना इंतजार करो, बता रहे मिट्टी का तेल लाया अंदरवा फेंक दिया ठीक है, अंदरवा फेंक के अब माचिस मार दिया। यानी कि उस समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा, 5 फरवरी को चौरा चौरी का हत्याकांड हुआ था। अब कैसे याद रखिएगा, तो इसका ट्रिक समझिएगा, 5 फरवरी ये याद आपको होना चाहिए और उसके बाद से 22
अंदर जेल में 22 गो पुलिस अधिकारी थे और उसमें जिंदा जला दिया, तो 22 में 22 आदमी को जिंदा जला दिया, यानी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, 22 में, याद रखिएगा 1922 में जिंदा भूज दिया था यूपी में चौरी चौरा हत्याकांड में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है, तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। गांधी जी अब सोचे कि ओ ये तो आंदोलन उग्र रूप ले लिया, हम तो आंदोलन किए थे ना, हम तो किसी को मारने का बात नहीं किए। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस करने की मांग करने लगे, वो बोले कि अब असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए। पूरा देश के लोग गुस्सा हो गए, नहीं आंदोलन आप वापस कैसे लीजिएगा, इतने लोग आ गए हैं आंदोलन में आपके साथ हो गए, तो आप आंदोलन कैसे वापस ले सकते हैं, ठीक है, आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन ठीक एक हफ्ता के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। तो 5 फरवरी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और ठीक एक हफ्ता के बाद यानी कि 7 दिन के बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब लोगों में गुस्सा आ गया, अब यहाँ पे जो 22 आदमी को जला दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड में, तो अंग्रेज सोच रहे थे कि बुढ़ऊ को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो बुढ़ऊ और आंदोलन करेगा, ठीक है, और जब आंदोलन करेगा ना तो यहाँ मामला फंस जाएगा और हम लोगों को तो अभी ये छोड़ के भागना पड़ जाएगा अभी। लेकिन बोला कि अभी गिरफ्तार करेंगे तो इंडिया के पूरा लोग महात्मा गांधी के साथ है, समय से पहले ही मार के भगा देगा। अभी नहीं, जब पूरा देश महात्मा गांधी के खिलाफ होगा उस समय हम लोग महात्मा गांधी को गिरफ्तार करेंगे। तो जैसे ही आंदोलन वापस लिए ना 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस, तो उसी समय अंग्रेजों को मौका मिल गया कि ओ ये तो अंग्रेज ये तो असहयोग आंदोलन वापस लिए जिसके वजह से पूरा देश इनके खिलाफ है। देश खिलाफ बाबू क्यों था समझिएगा, वो इसलिए खिलाफ हो गया क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि जब यूपी में ये घटना हुआ है तो यूपी में असहयोग आंदोलन बंद करो, तुम दूसरे पूरे विश्व का नहीं सॉरी पूरे भारत का असहयोग आंदोलन क्यों बंद करोगे। अगर मान लो कि गुनाह पड़ोसी की है तो पड़ोसी को सजा दो ना, पूरे हमको देने की क्या जरूरत है, पूरे देश को देने की क्या जरूरत है सजा, ठीक है, लोगों का मानना यह था। अगर मान लीजिए कि चलिए उग्र हो गया चौरा चौरी यानी यूपी में असहयोग आंदोलन ज्यादा उग्र रूप ले लिया, मार झगड़ा हो गया वहां पे, तो वहां का बंद कर दो और जगह का चलने दो, ठीक है। लेकिन गांधी जी समझ गए थे कि नहीं यहाँ पे तो आज हो गया कल दूसरे जगह होगा, उग्र रूप लिया तो उनके गुरु जी सिखाए थे कि कभी भी सफल नहीं होगा आंदोलन, उन्होंने वापस लिया और मौका पाते ही देखे कि पूरा का पूरा देश खिलाफ हो गया। तो उसी समय यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखे नहीं है लेकिन आपको 10 मार्च को, कब बाबू 10 मार्च आप याद रखिएगा, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी। अब महात्मा गांधी 6 साल के लिए कैद हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ही असहयोग आंदोलन 22 में जलाया, 22 में ही असहयोग आंदोलन वापस हुआ और 22 में ही इनको 6 साल की सजा सुना दी। अब ये टेंशन में हो गए, अब तो करे क्या। लेकिन बड़ी चलाक थे महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते थे। वो बेचारे क्या किए, खाना पीना सब छोड़ दिए, बोले कि नहीं हमको बाहर हमको नहीं जाने दोगे, हम भूखे ही प्राण त्याग देंगे, ठीक है, एकदम लग रहा है कि अब मरे तब मरे, इतना बुरा स्थिति अपने आप को एक्टिंग करके बना लिए थे, ठीक है। अंग्रेज सोचा कि अरे बाप रे, अगर ये बुढ़ऊ यहाँ मर गए तो बाप पूरा जिंदा फूंक देगा, अभी तो 22 में 22 को फूंका था, ठीक है, ये तो जिंदा जला देगा, पूरे हर एक इलाका में अंग्रेजों को ढूंढ के जला देगा। तो कहा कि महात्मा गांधी को पैर वगैरह हाथ वगैरह पकड़ करके आ बाहर टांग करके रख दिए। महात्मा गांधी देखे कि अंग्रेज चला गया, जैसे देखे अंग्रेज चला गया तो वहाँ से ये क्या किए, भाग गए, ठीक है, और भाग करके डायरेक्ट कर्नाटक पहुँचे और कर्नाटक के बेलगाम में जा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। वो भाग करके किसी के घर में क्यों नहीं छिपे, अंग्रेज देता कि तो बुढ़ऊ ठीके थे तो फिर ले जाकर अंदर कर देता, इसीलिए अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद पूरे इंडिया के लोग जाने गए नहीं अभी महात्मा गांधी हैं, ठीक है, तो अंग्रेज फिर से उनको गिरफ्तार नहीं करने गए। तो आप याद रखिएगा ये कब गए, तो 1924 में, याद रखना है आपको, 22 के बाद वहाँ जेल में गए और ठीक एक दो साल इधर उधर रहे और 1924 में कर्नाटक पहुँचे और कर्नाटक के बेलगाम में वो क्या बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और वहाँ पे वो बोले कि नहीं अब हमको किसी प्रकार का अभी आंदोलन नहीं करना है, फिर से लोगों को थोड़ा एक कर ले, हमारे साथ लोग हो जाएंगे ना, अभी सब लोग गुस्सा था असहयोग आंदोलन वापस हुआ है तो, ठीक है, अभी तो मेन चीज बाकी है स्वराज दल, सब कोई चाहता था ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए,
स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए, तो गुस्सा सब लोग हो गए थे। 1923 में तो स्वराज पार्टी अलग बना लिया गया, कांग्रेस से हट गया, महात्मा गांधी को बोला गया ये बुढ़ऊ बेकार आंदोलन वापस कर दिए, ठीक है हम लोग अपना अलग पार्टी बनाएंगे, हम लोग इनमें नहीं रहेंगे। तो वहां पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों आदमी हट करके एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। बोला कि अब पार्टी ये हम लोगों का है स्वराज, हम अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में थे गांधी जी तो उन्होंने जो आंदोलन शुरू कर रहे थे उसको वापस क्यों ले रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा किस तरह, और उन्होंने 24 में आकर के किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया, यानी कि 1924 से जब वो जेल से आए और अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, तो उस समय चुपचाप शांत रहे, 6 साल तक शांत रहे, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के बीमार व्यक्तियों का सिर्फ मदद किए हैं, ठीक है उस समय प्लेग हैजा वगैरह जितना भी बीमारी चल रहा था उनकी सेवा कर रहे थे, 6 साल तक सेवा किए, और जब सेवा किए तो फिर लोगों के दिल में जगह बना लिए, ठीक, और जब फिर लोगों के दिल में जगह बन गया उसके बाद से लोगों को एक किए, और एक करने के बाद बोले कि अब फिर से अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो बात बोलेगा उसका उल्टा काम करना है, तब जाके अंग्रेज यहाँ उब करके भागेगा, तो जो बात बोलेगा उसका उल्टा काम करना है, इसको कौन सा नाम दिया गया, तो इसको बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सब लोग, सविनय माने सब लोग, अवाज्ञा माने जो आज्ञा देगा लो उसका अवाज्ञा करना है, यानी उल्टा काम करना है, तो सविनय अवाज्ञा आंदोलन करना है, यानी कि जो वो बोलेगा सब आदमी मिल करके उसका उल्टा, जैसे बोलेगा अंग्रेज की वहाँ स्कूल नहीं खोलना है तो बोलना है हाथ जोड़ के बोलना है कि देखिए आप समझ नहीं रहे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन कर रहे हैं, आप जो बोलिएगा उसका उल्टा करेंगे, आप कुछ भी कीजिए स्कूलवा तो अब यहीं पे खुलेगा, ठीक है यहाँ सड़क नहीं बनना चाहिए, अगर अंग्रेज बोल रहा है तो बोला है देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ 20,000 लोग हैं, ठीक है अब 20,000 जब लोग हैं यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जनसंख्या है, हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन मानते हैं तो अब रोडवा यहीं पे बनेगा। तो हम लोग अगले लेयर में देखते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी के 2-4 और आंदोलन हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। जब महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, उस समय उसके बाद से उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लोगों की सेवा की है, लोग जितने भी प्लेग से मरीज पीड़ित थे उन लोगों का 6 साल तक सेवा की, उसके बाद से देखा कि अंग्रेज नमक पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं तो इस टैक्स को दूर करने के लिए सोचा कि अब अंग्रेजों से नमक खरीदेंगे नहीं, काहे नहीं यार नमक खुद बना लें, ठीक है तो वो बोले सभी लोगों को इकट्ठा किए, लेकिन ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए क्योंकि गांधी जी को लोग गलत मान रहे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरा चौरी में कांड हुआ था, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, इसीलिए कुछ ही लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन कुछ लोगों को देखते देखते एकदम 20,000 लोग पहुंच गए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां आपको दिख रहा है एक इंडिया का मैप, उन्होंने यहां साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया, 78 लोग थे, दांडी मार्च के बाद बता रहे अब शुरू कर रहे हैं दांडी मार्च, यहाँ दांडी कहाँ है तो गुजरात में नीचे वाले हिस्से में दांडी एक जगह है, वहाँ पे इन लोगों को पहुँचना था, और यहाँ साबरमती आश्रम से 78 लोगों को लेकर के, ठीक है 250 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ ये कौन सा दांडी मार्च ये शुरू किए थे महात्मा गांधी। अब देखिए 12 मार्च को चले थे, ठीक अब 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे, ठीक है अब 5 अप्रैल को दांडी पहुंच के 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों के नियम का उल्लंघन किया, किसी को हम लोग दांडी मार्च कहते हैं, ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोग थे, 78 लोगों से चले थे, और दांडी पहुंचते पहुंचते 20,000 लोग हो गए, कितने हजार 20,000, गांधी जी का दिल खुश हो गया, वाओ इतने लोग हो गए, अब इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना बहुत बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देगी, तो सोचे कि एक काहे नहीं एक और आंदोलन शुरू कर दे, अंग्रेज जो बोलेगा उसका उल्टा काम करना है, कब तो यही 6 मार्च को यहाँ पे क्या हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जब उन्होंने नमक बनाया 6 मार्च को उन्होंने क्या किया नमक बनाया और आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ वो क्या कहला एक तरह से आंदोलन ही हुआ विरोध हुआ और 6 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उस समय भारत का वायसराय था इरविन, कौन था बाबू लॉर्ड इरविन, ठीक है लॉर्ड इरविन ये सब चीज़ देख रहा था कि गांधी जी का कर रहे हैं, ठीक है गांधी जी आकर के बोले कि एक काम करो हमारा 12 गो मांग है उसको पूरा तुम कर दो, लॉर्ड इरविन से बोले,
ठीक है, नहीं तो फिर से असहयोग आंदोलन बड़ी ये वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी उग्र रूप लेगा। याद है ना तुमको असहयोग आंदोलन में 22 पुलिसकर्मियों को कैसे भूस डाला था, ठीक है। तो याद रखना हम झगड़ा तो नहीं करते, हम प्रेम से कह रहे हैं, तुम जो बोलेगा ओकरा खिलाफ बोलेंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब यही होता है, ठीक है। अंग्रेज ये इरविन बोला तुमको जो करना है बुढ़ऊ करो, हमको कोनो मतलब ना है, ठीक है। उसी वक्त इंग्लैंड में वहाँ के जो प्रधानमंत्री, एक तरह से मान लो वहाँ के जो वायसराय थे, प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम था मैकडोनाल्ड, ये एक उधर गोलमेज सम्मेलन बैठता है। गोलमेज समझते हैं, गोलमेज यानी मेज गोल रहेगा और सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे। गोलमेज का मतलब होता है कि सभी लोग मिल करके फैसला ले रहे हैं। देखना किसी किसी फिल्म में ऐसे मेज लगा रहता है, साइड में लोग बैठे रहते हैं, एगो युवा लोग बैठा रहता है, यहाँ पे ई सब लोग अपना राय देगा और डिसीजन ई देगा। तो ये गोलमेज नहीं है, गोलमेज सबकी राय से डिसीजन होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1930 में मैकडोनाल्ड बोला कि बाप रे बाप, ये तो गांधी वहाँ तबाही मचा के रखा है, ठीक है, कौन कौन सा आंदोलन शुरू कर रहा है, पूरा लोगों को एकजुट कर लिया, 20,000 लोग अभी प्रेजेंट में उसके साथ है। वो इरविन को फ़ोन किया, कॉल किया, बोला एक बात बता, तू गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भेज, ठीक है, किसी तरह। तो ये बोले जाके गांधी से जा आए गांधी जी के पास इरविन, बोले कि जाइए मैकडोनाल्ड खाना पर खाना वाना का सब प्रबंध किया है, वहाँ जाइए, वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इंडिया के बहुत सारे नेता भी गए थे, उसमें भीमराव अंबेडकर भी गए थे। ये कौन सा बात लेकर के वहाँ गए थे, अपना बात अंग्रेजों को रखेंगे तब ना वो बात मानेगा, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की थी। ये अपना बात दलितों के लिए लड़ रहे थे, माने दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया जाए, चाहे आरक्षण दिया जाए, ठीक है, जो SC ST जात के लोग होते हैं उन लोगों के लिए अलग, ये अपना अलग ही एक सिस्टम, ये पूरा देश के लिए नहीं लड़े, बाद में लड़े, ठीक है। पहले ये दलितों पर ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि ये जातिवाद से काफ़ी पीड़ित थे, ठीक है। अब समझिए 1930 में बुलाया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कौन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उस समय गांधी जी नहीं गए, बोले कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा 12 को मांग पूरा करो और नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बोले कि इरविन बोला कि हम तो मांग पूरा ना करेंगे, तुमको जो करना है करो, ठीक है। फिर मैकडोनाल्ड के पास कोई पहुंचा ही नहीं, महात्मा गांधी पहुंचे ही नहीं, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया मैकडोनाल्ड। फिर दोबारा गोलमेज सम्मेलन रखा 1931 में, कौन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर फोन किया इरविन को, अब बोला कि रे तुमको समझ में आ रहा है, तो इस बार गांधी जी को नहीं भेजा तो तुम्हारा नौकरी खतरे में है, समझ लेना, एकदम नौकरी खत्म है तुम्हारा। अभी दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, गांधी जी के पास, देखिए बुढ़ऊ जो कहना है आप लाइए, कहाँ वो लाए थे, कौन सा फॉर्म, 12 को 13 को नियम था, सब पर सिग्नेचर कर दे रहे हैं, आपका सब बात हम मानते हैं, लेकिन वहाँ जाइए, हमारा बाल बच्चा का सवाल है, नौकरी चला जाएगा, समझिएगा। तो गांधी जी बोले अच्छा 12 को मान लिए, तो सबसे पहले मेरा बात है कि जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं उन लोगों को जेल से रिहा करो। इस पर इरविन हामी भर दिया कि हाँ सबको आज़ाद करेंगे। और इसी बीच 1931 की ही घटना है, और उसी समय भगत सिंह को फांसी दिया जाने वाला था, यानी उसी समय होने वाला था। और यहीं पे महात्मा गांधी की गलती मानी जाती है कि महात्मा गांधी को फांसी कैसे दे दिया, यहीं पे महात्मा गांधी की यहीं पे महात्मा गांधी को बहुत लोग गलत बोलते हैं कि गांधी के वजह से, यानी गांधी जी के वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। अगर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए होते, सबसे पहले वो अपनी मांगों में रखते कि हमारे सामने सबको आज़ाद करो, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, ठीक है, उस सबको आज़ाद करो, तब हम गोलमेज सम्मेलन चलेंगे, तो उस समय मतलब भगत सिंह बच गए होते। लेकिन यहाँ पे इरविन बातों में घुमा दिया, वो बोला कि ठीक है हम सभी राजनीतिक क्रांतिकारियों को क्या करेंगे, आज़ाद कर दे रहे हैं। तो गांधी जी ये सुन के चले गए, जबकि भगत सिंह राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे, वो राजनीतिक में थे, वो तो बम फेंके थे, इस वजह से बम फेंके थे, उस वजह से वो गिरफ्तार किए गए थे, उनको रख दिया गया। ये चले गए गोलमेज सम्मेलन में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जाने से कोई फायदा भी नहीं हुआ। वहाँ पे मैकडोनाल्ड बोला कि देखिए जिस तरह हम मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र दिए हैं, उसी तरह दलितों के लिए भी अलग क्षेत्र दे देंगे। तो यहाँ से महात्मा गांधी नाराज हुए, बोले कि नहीं, आज आप मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र दे दिए हैं, देखना एक दिन वो एक देश बन जाएगा, और फिर से जैसे ही आप दलितों के लिए एक क्षेत्र देंगे, वो भी आजादी के बाद एक देश बन जाएगा। इस तरह से नहीं, वहां से वो वापस चले, और जब वहां से वापस चले तो उस समय तक यहां पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उस समय फांसी दे दी गई होती है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, ठीक है, तीसरा। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड जबरदस्ती
बोल दिया कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे देते हैं। इससे महात्मा गांधी नाराज हो गए कि अभी ये मना करके हम आए हैं। अब वहाँ भीमराव अंबेडकर भी थे, वो भी तैयार थे कि चलिए ये भी ठीक है, अलग क्षेत्र ही है हम लोगों के लिए। लेकिन वो अलग क्षेत्र रहता ना तो एक देश में आज बदल गया होता। जिस तरह पाकिस्तान अब एक देश अलग हो गया, उसी तरह ये भी एक देश अलग हो गया रहता। दलितों एससी एसटी का कास्ट वाले लोग जितने भी हैं, ठीक है, वो अपना अलग देश बना चुके होते। लेकिन यहाँ समझिएगा, तृतीय में तो अलग क्षेत्र दे ही दिया, लेकिन महात्मा गांधी आंदोलन कर दिए और वहां पे आंदोलन कर दिए। और याद रखिएगा, और आंदोलन करके गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा हो गए। वहां मनाने के लिए आए गए भीमराव अंबेडकर की क्या बात है, काहे आप भूख हड़ताल किए हैं, ठीक है, तो नहीं हमको जीने का इच्छा नहीं है, तुम सब लोग देश मिल करके तोड़ रहे हो, तो बात क्या है बताइएगा, अतः तुम काहे जा करके अलग क्षेत्र मांग रहे हो, तुम आरक्षण ले लो, 50% ले लो, 70% ले लो, 110% ले लो, जितना चाहिए आरक्षण ले लो हमसे, ठीक है, लेकिन तुम अलग क्षेत्र का डिमांड मत करो, तुम नहीं समझ रहे हो, सब कुछ बंट जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ भीमराव अंबेडकर मान गए। तो वो 24 सितंबर 1932 को दोनों आदमी के बीच समझौता हुआ, गांधी और अंबेडकर समझौता भी इसे कहते हैं, गांधी और अंबेडकर, या फिर इसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट। क्योंकि ये पूना पैक्ट कब हुआ था तो याद रखिए, 24 सितंबर 1932 को किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच राय हुआ था कि आरक्षण दिया जाए, अलग क्षेत्र की मांग नहीं की जाए, इसे पूना पैक्ट कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा गांधी और लॉर्ड इरविन समझौता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इरविन समझौता यही 31 वाला है। ये आए थे का इरविन, और इरविन आया था गांधी जी के पास कि तुम्हारे सभी सूत्र को हम मानते हैं, 12 गो सूत्र दिए हैं ना, 12 गो नियम बताए, उस सबको मानते हैं, लेकिन तुम कहाँ जाओ, लंदन जाओ गोलमेज सम्मेलन में। तो ये जो दोनों बात किया उसे बोलते हैं इरविन समझौता, और गांधी जी और अंबेडकर जो बात की इसे पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है, पूना में इन्होंने आंदोलन किया था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये आंदोलन अलग क्षेत्र मिल गया, उसके बाद से गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया, एक और आंदोलन किया जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, यानी कि वो आपको हुआ था 1940 में, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन, आंदोलन उन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन किया, ठीक है। उसमें बोला कि सभी व्यक्तियों को आंदोलन करना पड़ेगा, एक आदमी की हमरे सिर्फ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सभी को एक होना पड़ेगा, और एक एक व्यक्ति खुद के लिए लड़ेगा, आंदोलन करेगा, तो इस तरह पूरा भारत आंदोलन करेगा और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत, माने एक एक लोग लड़ाई करेंगे, मतलब सॉरी आंदोलन करेंगे। तो इस वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह भी क्या कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन, ये दोनों एक ही चीज़ है। और लास्ट में अंततः 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा यही चलाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो महात्मा गांधी के जो द्वारा चलाया गया था 1942 में। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो, तो समझ में आया हो तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। महात्मा गांधी से 1% आपको डाउट यहाँ आंदोलन से नहीं रहेगा। तो और आपको एक चीज़ बता दें, आपको मैट्रिक में 480-85 नंबर लाना है, अगर बेहतर नंबर लाना है तो बेहतर मेहनत करना पड़ेगा। आपका मेहनत बाबू डिसाइड करेगा कि आप कितना नंबर लाते हैं, आपका नंबर जितना आएगा वो सब आपके मेहनतों का नतीजा होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।